와. For more videos about bikes and cars, please press the subscribe button and don't forget to press the bell icon. It's completely free. और हमेशा की तरह आपका अली भाई सेफ्टी के लिए ले लिया है हेलमेट. और जब बात आती है राइडिंग का तो ये बंदा सबसे आगे है, लेकिन थोड़ा लेट है. देखिए ऑलरेडी सब वेट कर रहे हैं. और मिला तो मेरा दो लवली लवली भाई से, अरित्र और ये है नवनीत. हाय. चलो 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 निकलते हैं, लेट हो गया. और यहाँ पे चल रहा है फ्लैग का लगाना. और मेरा दो भाई हेल्प कर रहा है इसको फिट करने के लिए. सी गाइस हाउ दिस इज लुक, वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग लवली पीपल. कुछ बकने से पहले, सबसे पहले तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए. कहीं पे जाइए मत, ठीक है. सारा ब्रदर से मिला रहा हूँ आज, एक एक करके सबसे मिलाऊंगा. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे वेट कर रहा है एक और एक ब्रदर्स के लिए, जो है प्रदीप. तो जॉयनगर से आ रहा है ना, तो 10 मिनट और वेट करने के लिए बोला है. और बाकी सब आगे वेट कर रहा है, तो मैं जब राइड करूँगा तो एक एक करके सबसे मिलाऊंगा. एंड यार प्रदीप तो बंदा सबसे लेट होता है, लेकिन बहुत दूर से आता है इसलिए माफ़ी. चलो प्रदीप्त मित्रा, और इसका देखिए चैनल है यूट्यूब में प्रदीप्त मित्रा बोल के, तो हो सके तो विजिट करना. मेरा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. चलो चलो. हाँ चलो. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से राइड, और बाकी आप लोग कंटिन्यू करते रहिए. लेफ्ट में है फ्लोटिंग मार्केट, जो वेस्ट बंगाल में बहुत ही यूनिक है, जो पूरा पानी के ऊपर इसका मार्केट है. और ये रहा मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है. आओ आओ आओ, दौड़ते दौड़ते आओ, दौड़ते दौड़ते आओ. ये मेरा भाई आ गया. हम लोग का प्लान था कि किसी भी तरह से 7 बजे के अंदर थॉटर शॉटल पहुंच जाए, लेकिन अभी ऑलरेडी हो गया है 6:30, तो एक एक करके सबको लेना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा लेट हो रहा है. एम बाईपास है जो स्ट्रेट जाता है आपका रूबी मोड़, तो रूबी मोड़ में वहाँ पे 3 फ्रेंड्स वेट कर रहा है, अभिनव सुमन एंड राज. तो वहाँ से हम लोग एक साथ ज्वाइन करेंगे. विश यू ऑल द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स. और इंडिपेंडेंस के डे में एक राइड नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता. तो हम सब मिलके प्लान कर लिया कि कहीं पे राइड करते हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस में ना हो, क्योंकि किसी किसी का ऑफिस भी पड़ गया आज के डेट में, और किसी किसी को थोड़ा इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था, किसी का अपने अपने क्लब में काम रहता है, जैसे फ्लैगिंग का काम रहता है इंडिपेंडेंस डे के दिन में. तो इसलिए हम लोग ने शॉर्ट डिस्टेंस में यही डेस्टिनेशन को चूज़ किया है, कि थॉटल शॉटल कैफ़े ही ठीक है, क्योंकि ये सबके नज़दीक है, तो किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा जाके लौटने में. और एक चीज़ शेयर करना था आप सभी से, कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग जब करता हूँ तो हिंदी मुझे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा कुछ सब्सक्राइबर ऐसा है जिन लोग को बंगाली ठीक से मतलब प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है समझने में, और इसलिए मुझे हिंदी में ही ब्लॉगिंग करना पड़ता है. तो मेरा हिंदी के लिए मुझे माफ़ करना कि अगर कुछ उल्टा सुधा हो गया अक्सर में या बोलते हुए, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना. और हम अभी आ गए हैं रूबी मोड़ पे,
यहाँ से बाकी फ्रेंड्स को हम ऐड करेंगे। आई होप वो लोग को तो यहीं पे होना चाहिए। हाँ सामने शायद फ्रेंड्स वेट कर रहा है। हाँ हाँ चलो मिल गया, अच्छा ही हुआ। एक्चुअली हम लोग ही लेट है ज़्यादा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सुमन भाई बहुत लेट हो गया भाई, हम लोग जॉयनगर से आज से ना। चलो स्टार्ट करते। तो यहाँ से हम लोग अभी लेने वाला है स्ट्रेट चिंगड़ी घाटा, वहाँ पे और कुछ ब्रदर्स वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मीटअप करते हैं। चिंगड़ी घाटा। और एक चीज आप सबको बोलने का बहुत देर से मन कर रहा है, मन की बात सीधा बात। अभी आप लोग मेरा एक फ्रेंड्स की तरह ही है। सो यहाँ पे जो ये फ्लैग देख रहे हैं आप मेरे बाइक के ऊपर जो स्टिक किया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा फील दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लुकिंग सो नाइस, एंड इसको लगा के आज मतलब जब बाइक राइड कर रहा हूँ ना तो एक बहुत अच्छा फील आ रहा है। लेफ्ट तरफ ये है साइंस सिटी और ये आपका माँ फ्लाईओवर जो सीधा पाक्सर का 7 पॉइंट होके हुगली से कनेक्ट होता है। और हम लोग ले रहे हैं स्ट्रेट, जो स्ट्रेट जा रहा है चिंगड़ी घाटा। तो कैच अप विद आवर फ्रेंड्स। सो एक चीज़ तो कॉमन है कि सुबह सुबह राइड करने में ना एक अलग रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, एक फ्रेश जैसा लगता है। और रास्ता में जैम थोड़ा बहुत कम रहता है। यही रोड पे अगर ऑफिस टाइम में आप आओ तो बाप रे बाप, इतना जैम आपको बाईपास का फील ही नहीं देगा। और सूरज उठ गया है। यहाँ से आप लोग लेंगे फ्लाईओवर, यह चिंगड़ी घाटा फ्लाईओवर जो स्ट्रेट राजाघाट न्यू टाउन से कनेक्ट होता है। ये फ्लाईओवर एंड करते ही सामने पड़ता है यूटो वॉल्ट निको पार्क। Some friends are waiting here for joining with us. Let's see कहाँ पे है। हेलो देखो सबसे लेट वाला भाई मेरा, हर वक्त लेट, इसलिए इतना लेट हो गया। আমারই ভাই আছে। চলো আচ্ছা না, এখানে ভিডিও না বাট একটা DSLR ফটোগ্রাফি হয়ে যায়, ঠিক আছে। As you can see, we all brothers are here and अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फुल कैफे में, वहाँ पर जाके डायरेक्ट स्टॉप करेंगे। ओके तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। स्लो डाउन, ब्लैक टेप दे, ब्लैक टेप दे, ब्लैक टेप टा मार कर।
চলো আছে তো বাস বাকি অল ব্ল্যাক টেপ আছে এখানে চলো ব্ল্যাক টেপটা আছে এখানে চলো সো অল ব্রাদার্স আর গেট টুগেদার অ্যান্ড উই আর নাও ইন নিকো পার্ক নিয়ার ইয়াঁ সে ডিস্টেন্স 15 kilometers টু থার্ড শটল তো হাম লোক যাকে ডিরেক্ট ওই পে আবি স্টপ করেঙ্গে জেসে দেখিয়ে সারা ব্রাদার সব এক সাথে কিতনা আচ্ছা লাগ রা সবকো দেখকে এক সাথ তো হাম লোক রাইড কো এনজয় কর রে 15 আগস্ট মে রাইড কো এক সাথ সব ব্রাদার্স মিল গয়ে তো বহুত আচ্ছা লাগ রা See the squad. सामने है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कलकत्ता में बहुत यूनिक है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है ये रेस्टोरेंट पूरा ऊपर है जो यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट सब कुछ तो ठीक है बस बारिश ना आए बारिश आएगा तो पूरा राइडिंग बेकार हो जाएगा फिलहाल वेदर तो बहुत अच्छा है और हमेशा की तरह एक बार फिर से राजारहाट रोड में जो मेरा बहुत ही फेवरेट है कलकत्ता में हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं इसलिए कहीं पर स्टॉप नहीं कर रहे तो डायरेक्ट हम लोग होटल में एंट्री करेंगे यहाँ से 13 इको पार्क का एंट्रेंस यहाँ पे सबसे अच्छा जो हुआ है कि 7 wonders ये लोग ने क्रिएट किए एक जगह में देखो हम लोग बाइकिंग कर रहे हैं ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और एक चीज जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग ग्रुप में राइड कर रहे हैं लेकिन कोई भी ओवर स्पीडिंग नहीं है कोई भी रेसिंग में नहीं है बिकॉज ऑफ सेफ्टी मास्ट फ्रेंड्स और मेरा जो हैशटैग है नो फास्ट राइड जस्ट सेफ्टी मास्ट हम लोग एक फ्रेंडली राइड कर रहे हैं आज
ये जो क्रॉसिंग है ये बहुत ही मैसअप होता है, हम लोग ने 3-4 बार आके गलती कर दिया था, फिर उल्टा लेना पड़ा। वाह, सो हम लोग पहुंच चुके हैं फटाफट कैफ़े में, जस्ट राइट साइड में ही है कैफ़े। आई होप कि वहाँ पे कुछ और बाइकर्स और फ्रेंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, टुडे इज 15 अगस्त, सो एक्सपेक्टेड कि कुछ और बाइकर्स हमें मिलने वाले हैं। वाह, ये लोग ने बहुत अच्छा सा बैलून बैलून लगाया हुआ है, अच्छा लग रहा है देख के। वाह, लॉट ऑफ बाइकर्स आर गैदरिंग टुडे हियर। Our friends are clicking some photos and enjoy this place. And as you can see, a lot of bikes are there, Domino, KTM, Duke and R15. यहाँ का सामने का नज़ारा देखिए, ऐसा ऐसा व्यू आ रहा है इसका। আমার ভাই হেল্প করেছেন, আপনি এটা আমার জন্য আছে। मुझे भी कोई पहना हो भाई तो एक हेल्प करो। समय मिले पड़ा था अरे यार, समय मिले पड़ा है ना भाई, समय मिले था ठीक है। ओके, सी सी गाइस, सी दिस इज द लव सर, दिस इज द लव, देखो। ओए गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Sound bhai, really awesome sound. Wow.
Awesome, awesome, very awesome. Awesome. একবারে থটল হয় মজা এসে যাবে একবার থটল হলে বাপ বাপ রে বাপ অ্যামেজিং Number 1313. চলো বেড়াই চলো এবিএস স্টেশন and see you are the man on it happy independence day to all chalo see the squad this is all bravers Wow, the man! Suman, great! Video, video, video! Excellent!
So friends, as you see, okay, we all BRUVVERs are enjoying this day and enjoy the ride. And now from Thottal Sottal we are planning for going Prinsem Ghat. So I wanna capture the video and let me show you. You guys please continue and see the video completely, because we are now going in Prinsep Ghat. And वहाँ पे जो अच्छा है गंगा का जो घाट है वहाँ पे कुछ वीडियो कैप्चर करेंगे और वीडियो आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे. कोई बात नहीं यार, सब आगे ना एक साथ, बस डे बन गया. वाह व्हाट अ हल. ऑल ब्रदर्स राइडर्स आर एंजॉयिंग दिस डे एंड आई आल्सो वेरी एंजॉयिंग दिस डे. एक राइडर के लिए सबसे अच्छा एक सेलिब्रेशन तो यही होता है कि सारा एक ग्रुप बन जाए तो एक्स्ट्रा सब एंजॉय करे, सेलिब्रेट करे, राइड करे. तो टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू गेट ऑल द ब्रदर्स इन वन प्लेटफॉर्म. एंड इसके बाद भी बहुत सारा राइड करेंगे हम लोग, प्लानिंग है. इस महीने का एंड में प्लान है तो हर एक महीना एक एक लॉन्ग राइड का प्लान है. तो आप सब कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आ सके आपके चैनल पेज में तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए और BRUVVER राइडर्स को सपोर्ट कीजिए. ये जो ग्रुप है वो पूरा BRUVVER ग्रुप है. तो वी आर प्लानिंग फॉर सम स्टिकरिंग एंड लोगो प्रिंटिंग एंड टी शर्ट एक्सेट्रा. तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें मैं सब वीडियो कैप्चर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोगो है. और आज का डेट और आज का वीडियो अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. क्योंकि गाइस मैं रेगुलर वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए, बाइक रिलेटेड और कार्स रिलेटेड. तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख सकें. सो स्लोली बट आवर टीम मेंबर हैज़ ग्रो अप एंड बहुत सारा फ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता हम लोग के साथ जुड़ रहा है और एक एक करके सारा फ्रेंड ऐड हो रहा है. तो और इसके लिए सारे फ्रेंड्स को भी थैंक्स मेरे तरफ से. एंड आप सभी को भी थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए. सम विलेज राइड इन नियर एरिया हियर दे आर प्लानिंग फॉर फ्लैगिंग. Here the beauty this is. Akash, camera on na kore bolish. आज मौसम ने हम लोग का साथ दे दिया, नहीं तो कलकत्ता में जो वेदर है कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी धूप आ जाता है. सो अभी थोड़ा धूप है, सूरज ऊपर आ गया, ऐसे मथे के ऊपर सूरज आ गया, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि बारिश में तो राइड करना पॉसिबल नहीं है.
सो थोड़ा धूप है फिर भी सही है। আমরা তো রং রুট নিলাম কি? না না ঠিক আছে, আমরা তো বাড়ির দিকে চলে গেলাম। নাও উই আর অ্যাট চিংড়িঘাটা ক্রসিং অ্যান্ড ইসকে বাদ আফটার দ্যাট উই আর টেকিং মা ফ্লাইওভার অ্যান্ড ফ্রেন্ডস প্লিজ কমেন্ট করকে জরুর বতানা কি আপকো এই ভিডিও কেসা লাগা অর अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक ज़रूर करना और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना। सो आज का राइड इतना तक, क्योंकि हम लोग का जो प्लान था प्रिंसेप घाट का वो अभी सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि देख रहे हो कि बारिश आ गया है, तो यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे ही सारा फ्रेंड्स आज का राइड यहाँ पे क्लोज कर रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा आपसे। और एक बात जस्ट बिकॉज आई एम अंडर एज मेरे को बाइक चलाने नहीं मिल रहा है। सो वी आर नाउ इन बाईपास ढाबा। बेसिकली हम लोग का बारिश आने के वजह से प्रिंसेप घाट का ट्रिप कैंसिल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दूसरा और एक दिन हम लोग को ब्लॉग बना लेंगे प्रिंसेप घाट का। और अभी हम हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ, ये है पीछे बाईपास ढाबा। तो यहाँ पे सम कॉफ़ी ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं और यहाँ पे सब बाइक पार्क किए हैं। और आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।